भिवंडी से पुलिस ने वाहन चोरी का पर्दाफाश कर दो शातिर चोरों को गिरफ्तार कर 1 लाख रुपए का मुद्देमाल जब्त किया है। MIDC पुलिस थाना क्षेत्र में 31 जुलाई को टेम्पो चोरी जाने की वारदात सामने आई थी। शिकायत मिलते ही MIDC थाने की टीम इस मामले के जांच में जुट गई। टीम ने घटनास्थल पर जाकर जायजा लिया, साथ ही पास के CCTV फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। CCTV फुटेज देखने के बाद पुलिस को पता चला कि इस वारदात के पीछे टेम्पो मालक के यहाँ पहले काम करने वाला मयूर भगत नामक व्यक्ति है। मयूर अमरावती का रहने वाला है, इसीलिए MIDC पुलिस मयूर के अमरावती के के सामने जाल बिछा कर उसे गिरफ्तार किया। कड़ी पूछताछ करने पर आरोपी मयूर भगत अपना जुर्म कबूल कर दिया। उसने बताया कि चोरी के टेम्पो उसने दूसरे आरोपी तौफीक रफीक शेख इसे बेच दिया। मयूर के कबूलनामे पर पुलिस ने दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बताया कि टेम्पो लेकर उसके पार्ट अलग अलग कर दिए है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 1 लाख रुपए की गाड़ी के पार्ट जब्त किए है। दिनांक 1/8/2022 रोजी नागपूर नगर सहकारी बैंक इन्नारो MIDC या ठिकाणी फिर्यादी अर्जुन शिटला प्रसाद सिंह यांनी त्यांची टाटा एस ही चारचाकी वाहन पार्क केलेलं होतं आणि सदरचं वाहन त्या ठिकाणाहून चोरी गेल्याबाबतची तक्रार आम्हाला 2/8/2022 रोजी प्राप्त झाली। त्या वाहनाच्या त्या चोरीच्या अनुषंगाने आमच्या पोस्ट MIDC तपास पथकाने त्यामध्ये तपास केला। त्यामध्ये अमरावती रोडवर जाणाऱ्या टोल नाक्याचे CCTV फुटेज चेक करण्यात आले, त्यामध्ये सदरचं वाहन अमरावतीकडे जाताना दिसून आलं होतं। त्या अनुषंगाने पुढे तपास करून त्यामध्ये आरोपीचे मोबाईल लोकेशन काढून त्यामध्ये अमरावती येथे जाऊन त्यातील 2 आरोपी त्यांना अटक करण्यात आलेली आहे। त्यामध्ये आरोपीचे नाव आहे मयूर राम भगत, हा अमरावती येथील रहिवासी आहे। तसेच तौफीक रफीक शेख हा सुद्धा अमरावती येथील रहिवासी आहे। यातील मयूर भगत याने सदरचं वाहन चोरलं होतं आणि तौफीक शेख याला ते वाहनाची विक्री केलेली होती। तर यामध्ये दोन्ही आरोपी त्यांना अटक करण्यात आले आहे। तसेच ते जे टाटा एस वाहन होते ते तौफीक शेख याने विकत घेतल्यानंतर त्याचे पार्ट वेगवेगळे करण्यात आले होते। तर सर्व टाटा एसचे जे पार्ट होते ते ताब्यात घेण्यात आले असून पोलीस स्टेशनला आणून जमा करण्यात आलेलं आहे। तर सदरचा गुन्हा आमच्या पोलीस स्टेशनच्या वाहन पथकाने डिटेक्ट केलेला आहे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।